जी, तो फाइनली हम लोगों ने अपना रूम में चेक इन कर लिया है। हमें कुछ ये रूम मिला है, अभी मैं इसका रूम टूर आप लोगों को दे देता हूँ। काफी मस्त रूम है, व्यू तो यहाँ से कमाल का है, लेकिन रात में तो कुछ दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो एक काम करते हैं, इसका रूम टूर दे देते हैं। और इसके साथ मैंने एक और चीज बुक किया है, जो कि मैं वीडियो में बने रहो आपको बताऊंगा। मैं हाउस बोट भी मैंने बुक करा है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, रमाडा का। तो रमाडा का हाउस बोट कैसा है, उसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं बोट से, सब कुछ दिखाएंगे। पहले अभी तो रात हो गया है, नाइट स्टे हम लोग को यहीं पे करना होगा। बोट में भी ऑप्शन है हमें करने का, हम लोग बोट में भी जाके नाइट स्टे कर सकते हैं, हमारे ऊपर है, रूम ले या फिर बोट ले। लेकिन हम लोगों ने रूम चूज किया है क्योंकि हम लोग को अभी तगड़ा वाईफाई चाहिए, क्योंकि हमें काम भी करना है, ये भी एक रीजन है। बाकी एक काम करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को रूम टूर दे देता हूँ। यहाँ से एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा वॉशरूम और राइट साइड में वार्डरोब। और यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक है, सब कुछ एक टच स्क्रीन में है। ये रहा इनका वॉशरूम, तो शावर एरिया अलग से बना हुआ है और यहाँ से ट्रांसपेरेंट है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कर्टन्स नीचे करने का भी ऑप्शन रहता है, वो आप कर सकते हो। कितने दिन बाद ये सब मैं दिखा रहा हूँ ना, टॉयलेटरीज हो गया, ये डेंटल किट, सेविंग किट, शावर कैप, सैनिटरी बैग, हैंड सैनिटाइजर। आज तो भैया जम के नहाएंगे फेस वॉश वगैरह करके। बाकी यहाँ पे एक सेविंग मिरर, ये बड़ा मिरर, यहाँ भी शावर जेल एंड शैम्पू दिया हुआ है। मजा ही अलग है, गर्मा गर्म पानी गिरेगा। यहाँ मिनी फ्रिज होता है, लेकिन यहाँ मिनी फ्रिज नहीं है। और यहाँ पे वही कॉम्प्लीमेंट्री चाय कॉफी बनाने के लिए, ये जितने से हो जाएगा हम लोगों का। ये तो अभी खत्म हो जाएगा, क्या ये मांगना पड़ेगा और 10-12। बाकी देख लो, लाइट का ऑप्शन यहाँ से भी है, हर जगह टच स्क्रीन है, तो ये चीज काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ट्विन बेड, बाकी किंग साइज बेड का भी ऑप्शन था। एडिटिंग करने के लिए ये बेस्ट जगह है, यहाँ बैठ जाओ और बाहर का जो नजारा दिखेगा ना भाई, अभी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, सुबह जब होने दो तब दिखाऊंगा। और बाय द वे, सुबह हम लोग को उठना भी है, ब्रेकफास्ट भी करना है, बोट राइड भी करना है। अच्छा, मिनी फ्रिज इधर दिया हुआ है। बाकी ओवरऑल यही रूम है। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, नहाते हैं, शावर लेने हैं। यार देखकर मुंह में पानी आ रहा है, कब शावर लेने जाऊं। काउच मतलब वो जो पहनने का, वो मांगना पड़ेगा, मिल जाएगा। बाथरूम बाथरूम, अच्छा ठीक है, तो मांग लेते हैं। हाँ जी, तो देख लो, रूम में आते ही पापा दादा ने मस्त गर्मा गर्म कॉफी बना कर दिया है। बाकी सारा दूध खत्म, पूरा खत्म है, मंगा लेंगे क्या है, अभी तो यही तो फायदा है ना। 5-स्टार होटल में रुको तो ये सब चीज का तो है भैया, जितने बार भी जो भी चीज चाहिए मंगा सकते हो भाई। एक चीज तो बोलना पड़ेगा, चेहरे का पूरा 12 बज चुका है एकदम। अभी एक काम करते हैं, होटल में डिनर किया जाए या बाहर? बाहर बाहर, यहाँ बाप रे नाना करके 4-5 हजार रुपया वो गोवा वाला की तरह बिल फाड़ देगा यहाँ पे। मुझे फेस वॉश भी लेना है। हाँ जी, मेरे को कल भी फेस वॉश कहीं मिला नहीं। हाँ जी, तो होटल में तो खाना बहुत महंगा था, तो अभी हम लोग बाहर आ गए और हम लोग यहाँ पे दिखा है था, और भी बहुत सारा है यहाँ पे आसपास में, हाफ ग्रिल भी है। जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। वैसे तो यहाँ मेन्यू में बहुत सारा ऑप्शन था, बट मैंने ये ऑर्डर किया है किजी परोठा चिकन, तो कुछ ऐसा है, इसके अंदर परोठा वगैरह सब कुछ मिक्स है, स्टीम किया गया। ओ भाई, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा कुछ, एकदम डिफरेंट है ये, ऐसा कुछ मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम ऐसा। इसको स्टीम किया हुआ है, मेरे को लग रहा है ना, इसको बनाकर इसके अंदर डालकर इसको स्टीम किया गया है। ठीक है, अच्छा खासा स्मेल है, टेस्ट इसका एकदम ही डिफरेंट है। सबसे अच्छा बात, इसको स्टीम करने की वजह से ना परोठा में वो जो केले का जो पत्ता होता है ना, उसका भी फ्लेवर आ गया है, यूनिक सा है, अच्छा है। ये थोड़ा मसालेदार है, अदरवाइज परोठा बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सैलेड भी है, इसको किस चीज के साथ खाना है नो आइडिया, थोड़ा स्पाइसी भी है ये, बढ़िया लग रहा है। वैसे एक बात बोलना पड़ेगा, वैसे इसका प्राइस है 120 रुपीज, बट क्वांटिटी में बोलूंगा काफी सही है इसका। भाई इससे पहले अभी हम लोगों ने खाया ना, नाम में भूल गया उसका, ये वाला जो था कमाल का था, लेकिन बहुत ही अच्छा था वो, क्वांटिटी भी बहुत अच्छा था। उससे ही परोठा खाएंगे, उससे ही परोठा खाएंगे। बाय द वे, अभी हम लोगों ने ये चिली चिकन ले लिया है। हाँ जी, यहाँ पे परोठा बहुत चलता है, मैं देख रहा हूँ मतलब हर कोई ये परोठा खा रहा है। फाइनली अभी अपने होटल पहुँच चुके हैं, स्कूटी से 5-स्टार होटल में एंट्री, वाह भाई वाह। देखिए ये भी एक्सपीरियंस करना था, ये जो है हमारे होटल का पार्किंग है, ये हमारा होटल, बाहर से देख लो हमारा होटल कुछ ऐसा दिखता है। रात में जब हम लोग डिनर करके आए, आते ही सो गए, काफी थक गए थे, तो पापा इधर उधर सोए हुए हैं। यहाँ पे रात में मैं एक बार कॉफी बनाया था, एक बार नहीं दो बार कॉफी बनाकर पिया था, क्योंकि मेरा एडिटिंग चल रहा था और अभी भी चल रहा है। कितना हो गया, सुबह का 6:47 हो गया है, अभी सुबह 3 बजे से उठा हुआ हूँ मैं। बाकी आप लोग को बाहर के नजारे दिखाता हूँ अभी, जो कि कल रात में मैं नहीं दिखा पाया था आपको। भाई
साहब देखो रूम से बाहर का नजारा क्या खूबसूरत लग रहा है। ये अभी जस्ट सनराइज हुआ है, क्या ही कमाल का लग रहा है। ये सामने जो बोट रखा हुआ है ना, तो ये जो बोट है रमाडा का ही है, तो इसी से हम लोग करने वाले हैं बोट राइड। बाय द वे देख लो इनका पूल भी है। प्लान था पूल में जाने का रात में, क्योंकि मैं देखा रात में काफी लोग पूल में थे। एलपी अगर आप आते हो तो बोट राइड लेना मस्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो बैक वाटर हाउस बोट राइड है ना, वो मतलब लेने लोग काफी दूर दूर से आते हैं। तो हम लोग भी काफी करीब थे, कोची में थे, 50-60 किलोमीटर दूर है कोची से ये। तो हम बोले चलो यार सबसे पहले यहीं जाते हैं और देख लो सुबह के नजारे। थोड़ा बहुत वो कश्मीर वाला वाइब्स है जैसा मैंने फोटोज वगैरह में देखा है, शिकारा वगैरह जो चलता है, लेकिन उधर पहाड़ दिखता है बहुत ज्यादा। यहाँ इतना ज्यादा ग्रीनरी है ना चारों ओर। ये जो रियल जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ ना, वो कैमरा के थ्रू आपको नहीं दिखा सकता। और देख लो पूल में अभी भी लोग नहा रहे हैं। अभी एक काम करता हूँ, थोड़ा फोटोज वगैरह ले लेता हूँ इंस्टा में स्टोरी वगैरह में अपडेट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी जस्ट मैं फ्रेश होकर आया और मॉर्निंग का शुरुआत कॉफी के साथ और साथ ही ये नजारा। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग को जल्दी से जाना होगा हाउस बोट के लिए। ये जो देख रहे हो ना, इसी हाउस बोट में जाने वाले हैं हम लोग। अभी फिलहाल जल्दी से ब्रेकफास्ट कम्प्लीट करते हैं। ऑलराइट, तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा कम्प्लीट, अभी हम लोग जा रहे हैं हाउस बोट के लिए जो ऑलरेडी हम लोगों ने कल बुक करके रखा था। कितना में मैंने बुक किया है कितना में नहीं, वो सब कुछ मैं बता दूंगा। बाय द वे हमारे पास कल ऑप्शन भी था यहाँ पे स्टे करने का, लेकिन हम लोग अपने रूम में स्टे कर रहे थे। शायद वो वाला हमारा रूम है ऊपर वाला। और भी बहुत सारे यहाँ पे हाउस बोट है। ऑलराइट, तो ये वाले क्रूज से हम लोग जाने वाले हैं, रॉयल क्रूज रमाडा एलएपी। चलो चलते हैं अंदर। ऑलराइट, तो फाइनली अभी मैं बोट पे आ गया हूँ, अपर डेक में हूँ अभी। और इनका जो रूम है ना, वो नीचे की तरफ है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। और ये सामने ही हमारा होटल भी है। हाँ जी, तो अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अपने हाउस बोट का रूम। ये रूम हमारे पास कल के लिए था, लेकिन कल हम लोगों ने इसका यूज नहीं किया। मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, दो दो रूम है यहाँ पे, 0103। देख लो, ये हमारा रूम था। ये बाहर के नजारे, यहाँ हमारे पास सोने का ऑप्शन था, बाकी यहाँ पे एयर कंडीशन वगैरह सब कुछ है। तो देख लो, कुछ ऐसा रूम होता है हाउस बोट का। बाय द वे मैं अभी रमाडा के हाउस बोट में हूँ, तो इनका रूम कुछ ऐसा है। यहाँ वार्डरोब लॉकर वगैरह सब कुछ है। इधर मिलता है आपको मिनी फ्रिज। अच्छा, इधर एक और रूम है, काफी सही है। अगर ये आप अपने फैमिली के लिए बुक कर रहे हो ना, काफी सही है। काफी सारा रूम है अंदर, रूम के अंदर रूम, रूम के अंदर रूम, ऐसा है। और एक बार मैं इनके वॉशरूम को दिखा देता हूँ। तो देख लो, ये इनका वॉशरूम, ये इनका शावर एरिया। बाकी बोट हमारा बस यहाँ से निकलने ही वाला है। चलो अब बाहर निकलते हैं, बाहर का सीन सब दिखाते हैं। बस हमारा बोट अब यहाँ से निकल ही गया। यहाँ से हम लोग मेन लेक में कनेक्ट होने वाले हैं। और ऊपर भी एक रूम है, यहाँ पे क्या है, तो ये यहाँ का सर डाइनिंग एरिया है। और बाकी यहाँ पे देख लो, म्यूजिक सिस्टम, माइक वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, कैरम वगैरह भी रखा हुआ है। सही है यार, टाइम पास करने के लिए। चेस दिख रहा है मुझे, कैरम दिख रहा है मुझे। है तो वैसे अभी काफी तगड़ा वाला धूप, लेकिन बोट हमारा चलना स्टार्ट हो गया तो अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है। वैसे अभी जो मेरे को नजारा दिख रहा है ना, अभी से ही कमाल का नजारा दिखना स्टार्ट हो गया है। बाकी मेरे पीछे देख लो, काफी सारा हाउस बोट सब है, बहुत सारा हाउस बोट है। वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे बुक करा है। बाय द वे मैंने ये जो हाउस बोट है 2 घंटे के राइड के लिए लिया है, और इसमें साथ में मेरा होटल भी इंक्लूड था। 5000 में मैंने बस ये हाउस बोट बुक करा है। और जो अभी मैं रमाडा के रूम में स्टे कर रहा हूँ, उसके लिए 4500, तो टोटल मेरा 9500-10000 रुपए के आसपास लगा है। एक्सपेंसिव है थोड़ा, लेकिन हाँ, एक लग्जरी क्रूज का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको मैंने रूम वगैरह दिखाया, ऊपर में डाइनिंग एरिया दिखाया, गेमिंग एरिया दिखाया, सब कुछ दिखाया। बाकी अब एक काम करो, नजारा एंजॉय करो, जिसके लिए मैंने इतना पे करा है। और ये 2 घंटे का राइड होगा, पता नहीं ये कहाँ कहाँ ले जाएंगे। मैं तो भैया काफी एक्साइटेड हूँ, हमेशा ये सब चीज वीडियोस या फिर मूवीज में ही देखा है, आज फर्स्ट टाइम ये अपने आंखों से देख रहा हूँ। देख लो, सामने से एक छोटा सा बोट जा रहा है, एक बोट उधर जा रहा है। देख लो, अभी एकदम प्रॉपर वो केरला वाला वाइब्स आ रहा है ना, जो आप लोग टीवी वगैरह में देखते होंगे। भाई अभी ये कमाल का लग रहा है। यहाँ पे साथ नया नया रिजॉर्ट भी हो रहा है। और एक चीज मुझे दिखा, यहाँ पे देख लो ओयो का भी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देख लो, लाइन से हाउस बोट सब है, लाइन से। यहाँ पे हमको लग रहा है बजट वाला आपको हाउस बोट सब मिल जाएगा। और जिस साइड से मैंने लिया, वहाँ पे सब बड़े बड़े होटल सबका हाउस बोट रखा हुआ था। एक हाउस बोट देख लो एकदम साइड में है। अगर आप केरला आ रहे हो तो ये हाउस बोट राइड लेना मस्ट है। स्पेशली आपको इसके लिए एलएपी आना होगा, जो कि कोची से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ तो आना ही पड़ेगा आपको ये चीज लेने के लिए। और जितना भी आपने केरला टूरिज्म का वीडियोस या फिर फोटोज वगैरह देखा होगा, उसमें आपको ये हाउस बोट जरूर दिखा होगा। मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, लग रहा है ये पूरा एकदम। देखो ना,
पेड़ देखो ना पूरा एकदम चिकना चिकना लग रहा है, मतलब कितना फ्रेश होगा देखो पूरा एकदम बहुत फ्रेश लग रहा है। किसी गांव के बीच से होते हुए जाते हैं ये सब, देखो पीछे में साइड साइड में छोटे छोटे गांव भी है। ये हाउस बोट देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख लो अभी हम लोग जस्ट लेक में कनेक्ट होने वाले हैं। लेक का नाम मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और सबसे बेस्ट बात देखो, जो बोट सब होता है ना, हाउस बोट सब, उनके लिए फ्यूल स्टेशन भी बना हुआ है इंडियन ऑयल का, और उस साइड भी है। जब हम लोग आ रहे थे ना इधर, तो उधर भी हम लोगों ने देखा था। ये जो लेक है ना, इसका नाम कुम्भकोण लेक है, काफी बड़ा लेक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, काफी बड़ा लेक है। अभी हम लोग देख लो कहाँ पे है, अलापूजा में। ये पूरा कनेक्टेड है कोची तक, बहुत बड़ा लेक है। बस एंटर होने वाले हैं हम लोग तो नहीं कर पाए एक नाइट स्टे, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाते हो ना, इस टाइप के बोट में नाइट स्टे जरूर करना। हाँ जी, तो हमारा हाउस बोट राइड तो चल ही रहा है। वैसे भी आए थे पूछने के लिए चाय कॉफी के लिए, तो ये सब जो है ना मैंने जो बुकिंग किया है उसमें इंक्लूड है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये पूरा राइस फील्ड है, चावल का खेती है सारा। फाइनली हम लोग लेक में एंटर हो गए हैं, इस वाले जगह से हम लोग निकले थे। और यहाँ पे नीचे मेरा टाइम लैप्स भी लगा हुआ है। मेरे को लगता है चिल्का लेक के बाद शायद यही है क्या, इंडिया का सबसे बड़ा लेक में चिल्का लेक के बाद मेरे को लग रहा है शायद यही है। बाकी आप लोग कॉमेंट करके बता देना। लगभग हमें निकले हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। यहाँ आ चुका है हमारा चाय और कॉफी दोनों ही, साथ में कुकीज भी है, और यहाँ पर देकर गया ड्रिंकिंग वाटर। फिलहाल एक काम करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं मस्त। तो ये चाय कॉफी हमारा हो गया है। अभी देख लो, अभी पता नहीं कहीं तो पहुंचे हम लोग। मेरे को लग रहा है शायद यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे, टाइम लैप्स तो ले ही रहा है। चलो अंदर में काफी कुछ है एक्टिविटीज करने को। बाहर अगर गर्मी लग रहा है तो अंदर आ जाओ, पूरा एयर कंडीशन ऑन है। ऐसे ही बोलता है ना, तो एक कैरम मैच हो रहा है। स्ट्राइकर से ज्यादा तो भारी गोटी सब है। अरे और बस एक ही गोटी रह गया है। वैसे हम लोग तो गोटी बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हो बताना। पापा इधर क्या बोलते थे आप लोग, गोटी। चलो भैया हो गया मैच, अब जाते हैं बाहर। तो अंदर वैसे है काफी कुछ, लेकिन बाहर मैं गोप्रो लगा कर आया हूँ, होप की सही सलामत हो। ये कहाँ पहुंच गए हम लोग, एलएपी में आके हाउस बोट चला रहा हूँ, ये अल्टीमेट एक्सपीरियंस है जो ये बोला। लेकिन अभी मेरा 12 बजने वाला है, राइट? हाँ भैया, मुझे गाइड कर रहा है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ये चलाकर मजा आ गया। वैसे तो अभी काफी खाली खाली था तब मैंने चलाया, लेकिन हाँ एक चीज है, इसको चलाना थोड़ा इजी लगा मुझे एज कम्पेयर टू जो मैंने सुंदरबन में चलाया था। ये स्मूथ भी लगा थोड़ा सा। बाकी देख लो सामने के नजारे। वैसे अभी टाइम देख लो 12 बज रहा है, और अभी सारा बोट सब निकल रहा है। अभी जितना भी सारा बोट निकल रहा है ना, सब एक ही बार इवनिंग में आएगा, लंच वगैरह कर एकदम मस्त। तो लोग ऐसे ही करके मैक्सिमम बुक करते हैं, लेकिन हम लोग आते आते काफी लेट हो गए थे। ऑप्शन था बोट में रहने का, लेकिन वही कोई फायदा नहीं होता, वो एक जगह रुका हुआ था बोट, इसलिए हम लोगों ने होटल में स्टे करना ज्यादा जरूरी समझा। बाकी हाँ, अगर हम लोग 12 बजे आए होते अभी निकले होते, मैक्सिमम बोट सारा अभी निकल रहा है। कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से आ रहा है। अब देखो ये तो चारों ओर बोटी बोट दिखेगा आपको, और ऐसे जो छोटे छोटे बोट्स दिख रहे हैं ना, उसमें मछली कोई बेच रहे हैं, कोई कुछ कुछ सामान बेच रहे हैं।
तो ये जो सामने से बोट आ रहा है ना, ये यहाँ का वाटर टैक्सी है। ऐसे देख लो, छोटा स्टेशन भी बना हुआ है। वाह यार, ये बहुत प्यारा लगा मेरे को ये चीज। देखो, ये वहाँ पे रुकेगा, जिसको बोट करना है वो बोट कर लेगा। वो दूर में हमारा होटल भी दिख रहा है। फाइनली हमारा बोट राइड हुआ खत्म। वापस से हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल के पास। चलो नीचे चलते हैं। हम लोग एक तो गलती क्या बोलो तो, हम लोग कल रात को ना वो वहाँ से रास्ता आने का है जगह, एक तो गली हम जाने का टाइम दिखा देंगे। वहाँ सब बाइक रख के सब यहाँ से पैदल आके ये कर रहा है, हम लोग वो गलती हो गया, रात में दिखा नहीं। चलो नीचे जाते हैं, ऑलरेडी हमारे होटल का चेकआउट का भी टाइम हो गया। ओके थैंक यू। हाँ जी, तो अभी जस्ट हम लोग बोट राइड लेकर रूम में आए। वैसे इस होटल का चेकआउट टाइमिंग जो है 12 बजे का है और हम लोग 12 बजे रूम में ही एंटर हुए हैं। तो हम लोगों ने बोला है कुछ टाइम देने के लिए। काफी सामान सब बिखरा पड़ा है ना, तो उसको थोड़ा पैक करने में टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से सारा सामान समेटते हैं, फिर निकलना भी है यहाँ से। फाइनली पैकिंग वगैरह हो गया है, सारा डन। अब टाइम आ गया ये वाला रूम को चेकआउट करने का और ये खूबसूरत से नजारे को बाय बोलने का। एलएपी आने का मेरा मेन रीजन यही था, हाउस बोट में एक राइड लेना। स्टे करने का बहुत मन था लेकिन वही टाइम थोड़ा गलत हो गया हम लोगों का। अभी हम लोग को जल्दी से जाना होगा उधर, क्योंकि का बाइक का टाइमिंग भी हो रहा है। 3:30 बजे हम लोग को बाइक रिटर्न करना है। अभी टाइम कितना हो रहा है? 1:30 बज रहा होगा। अभी 1:30 बज रहा है और 3:30 बजे हम लोग को देना है। और यहाँ से जहाँ देना है वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। और होटल वाले से भी हम लोगों ने टाइम मांगा था 1:30 तक, 1:30 भी हो गया है। तो एक काम करते हैं, ये वाला वीडियो अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।